औरंगाबाद से रुकन पार्लियामेंट और एमआईएम महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील ने नांदेड़ का दौरा किया। भोकर तालुके में पार्टी के एक जलसे आम से खिताब के लिए इम्तियाज जलील नांदेड़ पहुंचे थे। नांदेड़ आने से कबल लीम गांव में इम्तियाज जलील का इस्तकबाल किया गया। मराठा समाज की कमसिन लड़की अनवी विश्वासराव कदम ने इम्तियाज जलील और मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला की गुलपोशी की। इस मौके पर इम्तियाज जलील ने लड़की की तहनियत की और मराठा समाज को रिजर्वेशन की मुबारकबाद पेश की। नांदेड़ आमद पर खड़गपुरे में फेरोज खान लाला की हिदायत पर एमआईएम लीडर सैयद शाहजेब की जानिब से जेसीबी के जरिए बड़ा हार पहनाकर इम्तियाज जलील और फेरोज खान लाला का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउश, नांदेड़ जनूब के सदर मिर्जा नवाब बेग व दीगर मौजूद थे। नांदेड़ के वर्कशॉप कॉर्नर पर भी फेरोज खान लाला की हिदायत पर पार्टी कारकुनों ने इम्तियाज जलील और फेरोज खान लाला की गुलपोशी व शालपोशी की। मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबाल और गुलपोशी के बाद इम्तियाज जलील और फेरोज खान लाला का ये काफिला रैली की शक्ल में भोकर की जानिब रवाना हो गया। भोकर से पहले बारठ और भूसी में भी फेरोज खान लाला की हिदायत पर पार्टी कारकुनों ने रुकन पार्लियामान इम्तियाज जलील की गुलपोशी की। वाजे रहे कि इम्तियाज जलील भोकर में एक जलसे आम से खिताब के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील और मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला ने मुल्क के मौजूदा सूरत हाल के लिए सेकुलर पार्टियों के नाम निहाद नज़रियात को जिम्मेदार करार दिया। तुम्ही समर्थन दिल्याबद्दल तुमचे आभार। हार बोल।